लोगों को सड़कों पर तो लड़ते हुए आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोगों की सड़कों पर गुंडागर्दी देखी होगी, लेकिन कभी किसी मंत्री को, गरिमा को तार तार कर गुंडागर्दी करते देखा है? नहीं ना? तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ऋषिकेश से सामने आया है, जहां पर इस वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि धामी सरकार के कद्दावर नेता हैं, पूर्व स्पीकर, प्रदेश के वित्त मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेम चंद्र अग्रवाल हैं। वो आजकल गुंडों को भी फेल कर रहे हैं। ये मंत्री जी की गुंडागर्दी आजकल सड़कों पर देखने को मिल रही है। जिस मंत्री जी को जनता ने अपना हमदर्द चुना था, वो मंत्री जी जनता के दर्द का कारण बन गए, जनता को पकड़कर उनकी पिटाई कर रहे हैं। वाह मंत्री जी वाह, क्या जनसेवा कर रहे हैं आप! ऐसी जनसेवा ना हमने कभी देखी, ना हमने कभी सुनी थी। मंत्री जी आप तो सच में जनता के हिमायती हैं, तो जनता सेवा घूसों थप्पड़ों से करते हैं, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो में वो अपने गनर के साथ मिलकर एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताते हैं कि मंत्री जी आज ऋषिकेश में जा रहे थे, रास्ते में जाम के कारण उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे नाराज हो गए मंत्री जी और गनर ने पहले तो उस गाड़ी चालक को पीटा और उसके बाद मंत्री जी ने आप देखा ना ताव और उस पर अपने हाथ भी साफ कर दिए। सुरेश जोशी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ अन्य वॉइस पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जोशी साहब। ये तस्वीरें जो आई हैं प्रेम चंद्र अग्रवाल की, इन तस्वीरों के मायने क्या है सर? क्या तस्वीरें हैं? क्या एक मंत्री की तस्वीर होनी चाहिए ऐसी? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि तस्वीर मैंने नहीं देखी, मैं भी बहुत रिमोट में हूँ, पिथौरागढ़ में एक गाँव में। हाँ, यहाँ पर कुछ जो है कि इस तरह के वो दिखता भी नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। और आज वैसे भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को मैंने सुना, अगर इस तरह का कोई भी कृत्य हुआ है, और हम लोग जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, सोशल एक्टिविटीज में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के दृश्य नहीं आने चाहिए। अगर इस तरह का कोई दृश्य आया है तो मैं कम से कम उसको उचित नहीं मानूंगा। ठीक है जोशी जी, अगर आपने तस्वीरें नहीं देखी है तो इंडिया वॉइस आपको बता देता है, मंत्री जी का वीडियो एक वायरल हुआ है ऋषिकेश का, वो उनके गनर एक व्यक्ति पर हाथ साफ कर रहे हैं सर, जमकर पिटाई हो रही है, लात घूंसों से, मुक्कों से। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, एक शालीन व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे से उलट ये तस्वीरें, क्या एक मंत्री की होनी चाहिए इस तरह की तस्वीरें? गुंडई करते हुए सरेआम सड़कों पर, वो भी बीजेपी का एक मंत्री। देखिए प्रश्न मंत्री का भी नहीं है, प्रश्न ये है कि किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कोई चीज गलत हुई है उसको करने के लिए हमारे पास कानून है, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, और अगर फिर कोई व्यक्ति विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट होता है, तो उसको तो और भी ज्यादा प्रेसेंसफुल होना चाहिए, और भी ज्यादा उसको जो है कि चीजों को लेके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया और इस तरह के विषय आते हैं, छोटी छोटी बातें भी जो है देश और प्रदेश के लोग एकदम देख लेते हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ है तो अगर उसने गलत भी किया है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई कानून स्वयं के हाथ में नहीं लेना चाहिए, और मारपीट का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको अगर कहीं पर कोई चीज गलत लगी तो आप नजदीक का थाना होगा या वहाँ लेखपाल पटवारी का क्षेत्र होगा, जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर। ठीक है, जयंत रमोला साहब भी है हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी आपको सुन रहे थे। जयंत जी बहुत स्वागत है आपका। से तस्वीरें सर आई है मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की, क्या ये इन तस्वीरों को सर किस तरह से देखा जाए? एक नेता, एक मंत्री जिसको जनता ने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनकर भेजा, विधानसभा तक मंत्री बनाया, लेकिन उस मंत्री की इस तरह की तस्वीर है जी। ये तो आज आपको पहली तस्वीर दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसी तस्वीरें 15 के अंदर, चाहे चाहे वो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष है तूतू में करने की बात हो, चाहे हरिपुर में महिलाओं के साथ करने की बात हो, चाहे कुमारपाड़े में एक उच्च महिला के साथ करने की बात हो, चाहे चुनाव के में एक पुलिस वाले के साथ बतन करने की बात हो पोलिंग वाले दिन, और चाहे अन्य आज का मामला हो, आप समझिए कि बीजेपी का नेता और बीजेपी का मंत्री जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, वो इस तरह से आप तीसरी बार विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष भी सर रह चुके हैं, बिल्कुल निर्ममता से एक व्यक्ति को आचरण है इनका गनर के साथ मिलकर, और पब्लिक भी तमाशा देख रहे हैं।
हाँ, इससे पूर्व अभी लेकिन जयेंद्र मूला विपक्ष के नाते क्या विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ये मांग करेगी कि इस तरह के आचरण पर कार्रवाई हो? जयेंद्र मूला जी, क्या विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ये मांग करेगी कि इस तरह के आचरण पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं थाने में हूँ और थाने में आप सोचिए, मैं थाने में खड़ा हुआ हूँ और मैं ये मांग के खास खड़ा हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। ये अपने यहाँ बीजेपी के नेता भी खड़े हो रहे हैं। सुरेश जोशी जवाब दीजिए, बीजेपी के नेता पहुंच के शिकायत करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच गए? सुरेश जोशी, मैं थाने में हूँ और अभी कांग्रेस नेता पहुंच के शिकायत कर रहे हैं। सुरेश जोशी, उसका कहीं पता नहीं चल रहा उसको कहाँ लेके आए, क्योंकि वो थाने में नहीं है। सुरेश जोशी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, मैंने पहले ही जो है कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदुस्तान का संविधान है, और उसके अनुरूप ही किसी को कार्य करना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बिल्कुल कि भाई अगर अगर जी जी तो इसलिए हाँ। जो है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके बाद जो है कि जो भी उसकी व्यवस्थाएं होती है उसमें उस व्यवस्था के तहत, चाहे वो जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है वो कर रहा है या और लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज का मौका दे रहे हो, देखो मैंने तो तस्वीरें देखी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी बात के आधार पर जो आप मेरे से बहस कर रहे हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा कोई भी प्रकरण होता है, किसी का भी होता है, तो वो गलत है। ठीक है जयेंद्र मूला जी, जो जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई वो व्यक्ति कौन है, कहाँ है फिलहाल, वो कोई अपडेट? मैं सुरेश जोशी जी का बड़ा आभार करता हूँ कि उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सुरेश का आभार करता हूँ। वो व्यक्ति सुरेश को सुनने में आया है, वो शिवाजी नगर का एक है, तो उसके साथ कुछ और है जिसके नहीं पता, जिसके बारे में जानकारी मैं थाने में, तो मैंने थाने से मिलना था, मुझे मिला नहीं। यहाँ पर थाने में उसका मोबाइल भी बंद है और मैं हमसे कनेक्ट नहीं कर पाए, तो इस समय तो क्या आपने एफआईआर करा दी? आप एफआईआर कराने वाले हैं? हाँ जी, आपने एफआईआर करा दी? आप एफआईआर कराने वाले हैं? एफआईआर कराएंगे जिनको पीटा गया है कायदे में, तो हम अपनी तरफ से सपोर्टिंग में उनके रहेंगे। तहरीर दी आपने? तहरीर दी है जयेंद्र मूला? अभी तो हम आए हैं थाने जी, और थाने में हमने डिमांड की है कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुरेश जोशी कह रहे हैं कि मुकदमा होना चाहिए, लेकिन जो जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई वो लापता बताया जा रहा है फिलहाल। हाँ, अभी कोतवाली में नहीं। आप देखिए ये घटना किस तरह की है, क्या है? हाँ, ये तो जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है वो बता सकता है। हाँ, और ये जो पुलिस प्रशासन को जो काम करना है ये कानून कायदे से, वो उनको करना है। आप और हम तो अभी सिर्फ बहस इस बात में कर रहे हैं कि आपका जी ऐसा एक विषय हुआ है और हमने उस विषय पे आपको प्रत्युत्तर ये दिया है कि कानून से ऊपर न आप हैं, न मैं हूं, न कोई अन्य है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ पे लेता है तो निश्चित तौर पर कानून हाथ से हमने लेने के बाद उस पर कानून के तहत की कार्रवाई होती है। इस पर लड़ाई झगड़ा मारपीट ये हमारा संविधान हमको इजाजत नहीं देता। लेकिन सुरेश जोशी जी, वो पार्टी जो देश को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताती है, वो पार्टी जो संविधान की आचरण की बात करती है, वो पार्टी जो सेवा और संस्कृति की बात करती है, उस पार्टी का एक बड़ा नेता, एक बड़ा मंत्री इस तरह सड़कों पर गुंडी करता नजर आएगा तो फिर क्या संदेश जाएगा बाकी के आम कार्यकर्ताओं में और लोगों में, युवाओं में? देखिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जहां तक पार्टी का विषय है, ये पार्टी का विषय संज्ञान में लेने का काम हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का है। अगर वो प्रदेश के मंत्री हैं तो उसको संज्ञान में लेने का विषय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का है, ये विषय मेरा नहीं है। मेरा जो विषय था, नहीं जहां तक मेरा ज्ञान है आप संगठन के बड़े नेता हैं सुरेश जोशी। नहीं नहीं, देखिए कोई बड़े नहीं, मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं बहुत बड़ा नेता होता तो फिर मैं अब आगे तो संगठन के बड़े नेतृत्व से आप मांग करेंगे कि कार्रवाई हो इस तरह के आचरण पर? देखिए मुझे इस पर किसी से कोई मांग करने का भी ऐसा कोई अधिकार नहीं, संगठन खुद उसको संज्ञान में लेगा। लेकिन मेरा विषय सिर्फ इतना है कि भाई कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, व्यक्ति बड़ा छोटा कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, ना आप है ना मैं हूँ, इस बात को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब वहाँ क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मैंने तो आपकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं देखा ना मैं भी देखता हूँ, आपसे सिर्फ वार्ता कर रहा हूँ। आपकी वार्ता के आधार पर मैंने अपना वर्जन आपको दिया है। ठीक है जयेंद्र नमोला कह रहे हैं कि संगठन जो भी होगा वो न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी माननीय मंत्री जी पर। मेरे को लगता नहीं भाई साहब, ये आए तो सैया भय कोतवाल तो डर का है। ठीक है, मंत्री जी की इतनी हिम्मत बनी, अभी तक तो मुंह से
मुंह से लोगों को डराते थे, अब वो हाथों से। ठीक है, इस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल खुद हमारे साथ मंत्री जुड़ गए फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर इतना गुस्सा सर क्यों आया सर आपको? भाई सर किस बात का गुस्सा? सर ये तस्वीरें सर आई हैं टीवी पर और इसमें मारपीट करते हुए आप अपने गनर और आप मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं किसी व्यक्ति से? घटना क्या हुई, आप कह रहे हैं मारपीट क्यों कर रहे हैं? मैंने वही शुरुआत में सर वहीं से कि आपको इतना गुस्सा क्यों आया था। नहीं नहीं आपका सवाल ही होना चाहिए कि आप घटना क्या हुई, आप ये कह रहे हैं मारपीट क्यों की, मारपीट नहीं की है। चले सर मैं पूछ लेता हूँ घटना क्या हुई, ये सवाल है ना आपका, ये होना चाहिए आपको हमारे आप पूरी घटना को जानकारी दीजिए तब आप ये भाषा को थोड़ा सा तैयार सर। तभी तो सर आपको फोन किया सर, घटना क्या? हाँ तो भाई साहब आपने तो सीधा ही मारपीट क्यों की, क्यों गुस्सा आया, ये शब्द आपका पहला था। घटना क्या हुई थी मैं जान सकता हूँ? हाँ मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए आप जी। एक ऋषिकेश में भरत मंदिर कॉलेज है, हाँ, जहाँ पे छात्रवृत्ति करने के बाद मैं दूसरे कार्यक्रम के लिए निकला, और जब मैं निकलता हूँ तो एक मेरे ही ऋषिकेश में थोड़ा सा क्योंकि बारिश है थोड़ा काम चल रहा है तो वहाँ जाम की स्थिति थी, हाँ, तो मेरी गाड़ी जैसी वहाँ रुकी, हाँ, तो एक मोटरसाइकिल पे दो सज्जन बैठे, उन्होंने मुझे देखते ही गाली मतलब पहले तो कहने लगे देखो ये क्या जाम लगा है, कैसा काम हो रहा है। मैं विधायक हूँ स्वाभाविक है उनका कहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो गाली ग्लॉज पे आ गए, और गाली ग्लॉज पे आने के बाद तुरंत वो मेरी गाड़ी पे लग गया और उन्होंने मेरे को मेरा कपड़ा खींचने का मेरे को कपड़ा खींचा, मेरी कपड़ा मेरा फटा है मेरे, आपके वीडियो पे ऐसे दिखेगा तो नहीं लेकिन मैंने यहाँ पे जो वीडियो दी है वो मैंने यहाँ वीडियो सब दिखाई है जो हमारे प्रेस के मित्र यहाँ पे आए थे, और कुर्ता फाड़ दिया, जेब फाड़ दी, उसने सारा सामान सारे पैसे सब वहाँ पे या तो उसने लूट लिए या गिर गए वो मैं नहीं कहता। मेरे गनर ने जब इतना ही तेजी से काम किया, जब उसने रोकने का प्रयास किया तो उसकी वर्दी फाड़ी उसने, और उसके बाद वो पत्थर लेके भाग रहा मेरे को मारने के लिए। उसके बाद फिर जो है जब मैं समझा रहा हूँ करके फिर भी वो पत्थर मारने का प्रयास किया और मारने के बाद मेरे कपड़े फाड़े, मेरे गनर के कपड़े फाड़े और मेरा को सीधा फिर पकड़ा उसने, और उसके बाद ये स्थिति बनी कि मुझे इतना मतलब अजीब लगा कि वहां बहुत से लोगों ने बचाया नहीं तो वो तो आज मुझे मार देता। ये स्थिति है वास्तविकता। तो जिस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी अग्रवाल साहब, क्या आप इस व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, कौन था? बिल्कुल जानता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, हाँ। वो हमारे यहाँ का अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, ब्लैकमेलर टाइप का है, अनेकों बार ब्लैकमेलिंग करता रहा मेरे क्षेत्र में लोगों को। या किसी दल का नेता है क्या ये? मैं दल के नेता तो उसको सपोर्ट करेंगे बेहतर, कौन सपोर्ट कर रहा है? व्यक्ति ब्लैकमेलर टाइप का है, मैंने ये भी कहा उसको उस टाइम कि हर जगह जो है ब्लैकमेलिंग नहीं चलती भैया। यानी आपका पुराना विवाद है क्या इसके साथ? कोई विवाद नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तो उसने सड़क के बारे में शिकायत की थी, हाँ। और उसके कहने के तुरंत 10 मिनट बाद उस सड़क पे मैं मौका मुआयना करने पहुंच गया था उसी के साथ। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है क्या कि आपके साथ इस तरह का सलूक हुआ? शिकायत करेंगे क्योंकि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, मंत्री का ऊपर आक्रमण हुआ है, सिस्टम के ऊपर आक्रमण हुआ है। सर ये राजनीतिक रंजिश है क्या? है जी, इसे आप राजनीतिक रंजिश कह रहे हैं? मैंने आपको घटनाक्रम बताया इसमें। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है प्रेमचंद अग्रवाल जी कि ये क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, आप अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, 3-3 बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और ऐसे में एक मंत्री के द्वारा सड़क पर इस तरह से खुलेआम मारपीट करना, कांग्रेस से कह रही है कि ये बीजेपी का कैसा चाल चरित्र चेहरा है? ऐसा है, उनको अभी पूरे घटनाक्रम का पता नहीं होगा तो उन्होंने कहा होगा ना। अब ये घटनाक्रम यदि वो कांग्रेसी बता रहे किसी मंत्री पे कोई आदमी आक्रमण करेगा क्या उन्हें स्वीकार है? हाँ, कोई पुलिस कर्मी पे यदि कोई हाथ उठाएगा कांग्रेस तो स्वीकार है? हाँ, क्या एक मंत्री पे हाथ उठाए और सुरक्षा कर्मी अपना कोई काम ना करे? नहीं, मान लिया कि सेल्फ डिफेंस में आपने इस तरह से एक्शन लिया, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें पहली मर्तबा प्रेमचंद अग्रवाल जी नजर आ रहे हैं कि वो शख्स आपसे बात कर रहा है और पहला जो थप्पड़ उठाया वो आपने चलाया। ये तो बात का लगे तो जब वो पत्थर उठा के मेरे पे भागा, हाँ, तो मेरे सुरक्षा कर्मी वहां पे उस पर लग के कहीं पत्थर मार दे, कहीं मेरे हाथ पे ना मर जाए, लग जाए कहीं की मेरे शरीर को नुकसान ना पहुंचा दे। ये कब का है, लास्ट का है ये? कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वो व्यक्ति गायब हो गया है। मुझे जानकारी, मैं तो कार्यक्रम में आ गया हूँ, भोजन कर रहा हूँ, जो कार्यक्रम में बैठना है। ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया आपका इंडिया वॉइस पर अपनी बात रखने के लिए, जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि क्या घटनाक्रम हुआ। जयंत रमोला लगातार जुड़े हुए हमारे साथ कांग्रेस नेता। जयंत जी आपने सुना पूरा घटनाक्रम, खुद मंत्री जी की जुबान इंडिया वॉइस पर है। हाँ। मैंने
मैंने सुना है बिल्कुल, हाँ और आपने देखा भी होगा वीडियो में, कहीं कोई पत्थर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसी इंसान को 10 लोग 5-7 3-4 लोग मारेंगे हाँ। तो अपने बचाव में हो सकता है कुछ ना कुछ वो रहे। मैं उसको मैं कतई भी उस व्यक्ति की सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी कीमत में उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता हूँ अगर उसने बदतमीजी की। लेकिन ये कहाँ का कानून कहता है कि कोई आपसे बदतमीजी करे आप उसको अपने गनर के साथ मिलकर कूटेंगे? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, ये कहाँ का कानून है? अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे स्टेट हेड अवनीश जी। दरअसल ये पूरा वीडियो संज्ञान में आया, इंडिया वॉइस ने चलाई इस चीज इस खबर को चलाया और मंत्री जी खुद जुड़े, उन्होंने कहा कि पहले मेरे साथ बदसलूकी की गई, मेरे ऊपर पत्थर उठाया गया, मेरा कुर्ता फड़ा गया, मेरे साथ लूटपाट भी हुई, उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया गया मंत्री महोदय के द्वारा। अवनीश जी देखिए शिवम, हमारे पास जो दो वीडियो हैं उसमें पहली बात तो मैं दिखा दूं कि हाथ छोड़ते हुए पहले मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, हाँ। नंबर एक। दूसरी बात ये कि मंत्री के जो कुर्ता है, जो कपड़े हैं, वो कहीं से भी फटे हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, इतना जरूर है कि उसके बाद जब 6-7 लोगों ने, मंत्री जी, उनके गनर और लोगों ने जिस लड़के के ऊपर एक तरह से पिटाई की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि मंत्री जी के कपड़े फाड़े गए, उन पर हमला किया गया और उनको किसी तरह चोटिल करने की कोशिश गई। मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी शर्मिंदगी देखनी पड़ती है, और इस तरह की हरकत कोई पहली बार उन्होंने नहीं, कई बार वो इस तरह की हरकत करते रहे जब सरकार को ऐसे जोड़ा पड़ा है। वो एक बार गुस्सा होते हैं तो फिर उसके बाद वो किसी को कुछ नहीं समझते। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि वो इस समय प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त विभाग उनके पास है, शहरी विकास उनके पास है, तो आखिरकार उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो खुद सड़क पर आकर उन्होंने युवक को पीटना शुरू कर दिया, जबकि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति है। जी, लेकिन सवाल अवनीश जी ये भी उठता है कि आप मंत्री हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप मंत्री हैं, आप पूर्व स्पीकर रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और मंत्री बने हैं, तो क्या कानून का हाथ में लेना चाहिए? पुलिस प्रशासन के क्या मायने जब खुद ही न्याय करेंगे तो? गलत है, सरासर गलत है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि इनके गनर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, और प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो जो है पेशेंस को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, और यही कारण था कि आज उनकी वीडियो पब्लिक के सामने आई। दो वीडियो हैं जिसमें वो खुलेआम सड़क पर पीटते हुए युवक को दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो भी इसकी बड़ी निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस तो मुद्दा बनाई रही है, और यही कारण है कि इस समय काफी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ऋषिकेश कोतवाली पर जमा हैं, और संभावना ये भी जताई रही है कि वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में गनर और खुद मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी अवनीश जी, मंत्री जी कह रहे थे कि वो उस शख्स को पहले से जानते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का है और ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ा ब्लैकमेल करता है लोगों को, इस तरह का वाक्या दोहराते हुए नजर आए मंत्री जी। देखिए, इस बारे में तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, जब मंत्री जी उस युवक को जानते हैं और वो कहते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र का है, तो उनको तो खुद इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस में करनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी के पास तो बहुत कार्यकर्ता है, किसी को भी सामने करकर वो उस व्यक्ति के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का, धोखाधड़ी का, या जो भी आरोप मुख्यमंत्री यहाँ पर लगा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पाए। लेकिन इस जरा से मामले को लेकर उन्होंने जिस तरह सड़क पर आकर पिटाई की है युवक की, मारा है अपने गरण के साथ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की और सरकार भी पूरे मामले में अपने आप को ऐसे महसूस कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।